लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को खंडवा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के चलते सतवास बस स्टैंड के समीप भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। कार्यालय शुभारंभ के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, बागली विधायक मुरली भवरा, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश दुबे, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राम सोनी, गोपी कृष्ण व्यास, नारायण व्यास, जयप्रकाश शर्मा ने संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को 400 पार का नारा दिया। शक्ति केंद्र और बूथ को मजबूत बनाने की बात कहते हुए भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को विजय दिलाकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात मंच से कही गई। विजय करेंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ काम करते भी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की वजह से ही बागली विधानसभा क्षेत्र में निरंतर भारतीय जनता पार्टी जीतती भी आ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बागली विधानसभा क्षेत्र का जो लक्ष्य है वो 51,000 पार ऐतिहासिक मतों से खंडवा लोकसभा क्षेत्र को यहाँ से जिताएंगे। और हमारे सभी कार्यकर्ता चाहे वो अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र प्रमुख हो, पंच परमेश्वर हो, ये हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हर तरह से अपने पार्टी संगठन के प्रति निष्ठावान है और ऐतिहासिक जीत के लिए सदैव तैयार है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 से 2024 में ऐतिहासिक काम भारत की उन्नति के लिए, भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरोहर को धरातल पर साकार करने के लिए जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 सालों में काम करके देश की जनता में जो विश्वास जगाया, जो उनका समर्पण दिखा और देश की जनता को लगने लगा कि एक ऐसा नेता जो अपनी छोटी छोटी व्यवस्थाओं के साथ भारत के मान और सम्मान को बढ़ाता है और भारत के मान को सम्मान को बढ़ाने के साथ साथ पूरे विश्व का नेतृत्व करने लायक भारत को निरंतर बना रहा है। ऐसा होने पर जब वो कांग्रेस में भगदड़ मची और चाणक्य ने कहा था कि जब कोई एक चरित्रवान नेता, एक ईमानदार राजा जब देश में नेतृत्व करता है, अपनी प्रजा के लिए काम करता है और सामने वाले दल में विरोधी सेना में अगर भगदड़ मच जाए और उनके मन में अविश्वास आ जाए तो वो निरंतर इधर उधर जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही कई कांग्रेसी मित्र जो इस हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद के लिए बहुत खुश है कि रामलला अयोध्या में 500 सालों के संघर्ष के बाद आए, धारा 370 इस देश से समाप्त हुई है, ऐसे कई मुद्दों के कारण कांग्रेसी उन राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में निरंतर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेसियों के मन में आया है उससे निरंतर वो जुड़ते जा रहे हैं। और हमने भी न्यू ज्वाइनिंग के माध्यम से उन सब लोगों को जो राष्ट्रवाद से जुड़ के भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग समर्थन करना चाहते हैं उनको आमंत्रित किया है कि आइए आप भी भारतीय जनता पार्टी के इस महायज्ञ की आहुति में अपनी आहुति देकर एक सशक्त राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने का काम करें। और इसलिए निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में 400 बार का नारा दिया जा रहा है और अटक से कटक तक, काश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए निश्चित रूप से एक समृद्धशाली भारत 2024 के बाद नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने के बाद बनने वाला है उसमें सबकी आहुति हो, सब अपने आहुति देकर मोदी जी को एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में सहयोग प्रदान करें। सतवास से हरिओम तिवारी की रिपोर्ट।